ये गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हाँ मैं अंधेरे में बैठी हूँ, मुझे ये अंधेरा अच्छा लग रहा है। लाइट ना आँखों में चुभ रहा है इस वक्त। लाइक सीरियसली आई वॉन्ट टू जस्ट टू रेस्ट ऑनेस्टली। मैं काफ़ी बार लाइक 8-9 बार लाइव पे आने की कोशिश की, 8-9 वीडियोस ऑटोमेटिकली स्ट्रीमिंग डिलीट हो गया। आई नो आप लोग वेट कर रहे थे, मैंने पोस्ट भी डाला है। इट्स लाइक यहाँ पर मेरा अपोलोजाइज करने का भी कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज मैं सुबह से घर क्लेंस कर रही हूँ, इस लाइव की तैयारी कर रही थी। एनीवेज वील जस्ट चेक इन द एनर्जीज एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपने अगले वीडियो पे आपके लिए कार्ड पुल करूं, ठीक है, जस्ट इन केस अगर ऐसा कोई यू नो टेक्निकल इश्यूज होता भी है, मैं प्री रिकॉर्ड करूंगी और उन प्री रिकॉर्डिंग में, उन रीडिंग्स में मैं आप लोगों के लिए कार्ड पुल कर सकती हूँ। आप लोग सुपर चैट खरीद लेना क्योंकि मैं मोनेटाइजेशन ऑन रखूँगी, तो आप लोग लाइव पे ऐसे चैट खरीद सकते हो। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एनर्जी सर्वप्रथम मुझे यही कंसिस्टेंटली इन्फॉर्म कर रहा है कि हमें सीरियसली इस वक्त हर्मिट मोड पे होना चाहिए, अपने साथ कनेक्ट करना चाहिए। एंड आप एक अजीब तरीके का एक खिंचाव महसूस करोगे, ठीक है, कि आपको अपने साथ कनेक्ट करना है। इट्स बिकॉज हमारा जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है इस वक्त यूनिवर्स हमें शो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ट्विन यूनियन में हो या ना हो, आप एक सॉलिड तरीके से डिटैचमेंट फील करोगे। इट्स लाइक अब इस वक्त यू विल बी लाइक आई मी माई सेल्फ। इट्स लाइक आपको लिटरली अपने सोल का ओरिजिनल टेम्पलेट का आपको पूरा ब्लूप्रिंट शो किया जाएगा। तो जितना हो सके मेडिटेटिव मोड पे जाइए एंड टेक रेस्ट, ठीक है, बिकॉज जब आप एकदम काम रहोगे, ठीक है, एंड कोई इंटरप्शंस नहीं होंगे, कोई ईगो सेल्फ नहीं होगा, कोई ज़बरदस्ती का मुझे दिखाओ वाला मोड नहीं होगा। इट्स जस्ट आप कंप्लीट सरेंडर एंड आई अलाउ माई सेल्फ वाले मोड पे जब आप एकदम रिलैक्स्ड होंगे मेडिटेटिव स्टेट पे, इट्स लाइक नाइस एंड डीप। इट्स लाइक आपको ज़्यादा कोशिश भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली मेडिटेटिव स्टेट पे चले जाओगे एंड यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ डाउनलोड्स आपके बारे में, आपके प्रोसेस के बारे में, आपके ब्लूप्रिंट के बारे में, दैट इज़ द ओरिजिनल आपका जो सोल पर्पस है उसके बारे में। यू विल गेट ऑल द डाउनलोड्स जिसकी आपकी ज़रूरत है, ठीक है ना। जो ये वीडियोस देखेंगे उनके लिए प्लीज़ कुछ मैसेजेस। Yeah, we have the strength and we have the 6 of 1, sorry. Listen, first and foremost, I feel कि आपको आपका strength वापस मिल रहा है, ठीक है। New moon in Pisces हमें हमारे originality में लेकर के जा रहा है, authenticity में लेकर के जा रहा है, right? मैं भी काफ़ी सारी बातें आप लोगों के साथ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर कर चुकी हूँ, अपने खुद के बारे में मैं शेयर कर चुकी हूँ एंड काफ़ी सारे लोग बहुत चौंक भी रहे हैं कि हाँ मैम ऐसी है, यस ओरिजिनली मैं ऐसी हूँ, जैसी हूँ आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट कि हाँ ऐसा ही है। एंड हर कोई हर जैसा नहीं होता है, ये एक ऐसा टाइम है जब आप ऑथेंटिकली बिना किसी शर्मिंदगी बिना किसी जजमेंट के आप अपने आप को अपना पाओगे, उन हिस्सों को देखोगे जो आपने पहले नज़रअंदाज किया था या अपने आप में दबाया था या अपने आप से भाग रहे थे। अगर आपने न्यू मून इन पाइसी के 2 वीडियोस नहीं देखे प्लीज़ उन्हें देखना क्योंकि उनमें बहुत सारे डाउनलोड्स आए, ठीक है। 2 वीडियोस मैंने बनाए तो समझ सकते हो कितने डाउनलोड्स आए। इट्स लाइक आपको एक अंदरूनी शक्ति मिल रही है, इट्स अ वेरी डिवाइन स्ट्रेंथ जो आपको वापस लौटता हुआ आपको महसूस होगा। एंड पास्ट में
कुछ है जो आपको लगा था कि एक मिस अपॉर्चुनिटी है, या कुछ खो गया था, आप हार गए थे, कोई बड़ा लॉस, आप विक्टोरियस फील नहीं कर रहे थे, आपको लगा था कि ओ माय गॉड ये बहुत बड़ा झटका है मेरे लिए, ये फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, एक इट वाज अ ह्यूज लॉस जो आपने एक्सपीरियंस किया और आपको लगा कि ये बहुत बड़ा झटका था आपके लिए। इस वक्त आप लिटरली फील करोगे कि आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि आप वापस उस वूंडिंग में जा कर के आप उसे रिजॉल्व कर सको। आप में से कुछ लोग ये भी रियलाइज करोगे कि आपके लाइफ के अभी भी बहुत सारे डिसीशंस आपके इनर वोन से आ रहा है। इट्स लाइक आप चाहते हो लोग आपको प्यार करें, आप चाहते हो कि आपको अपनाया जाए, तो उसके बेसिस पे आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हो जो आपको आउट ऑफ कैरेक्टर बना रहा है, लाइक वो आपको आपकी ओरिजिनलिटी से दूर लेकर के जा रहा है। इट्स लाइक समवट आपको पता है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप ऑथेंटिक हो सकते हो, बट फिर लोगों के जजमेंट बीच में आ जाता है, एक एक क्रेविंग अप्रूवल के लिए बीच में आ जाता है कि ओ माय गॉड मुझे मुझे वो भी करना चाहिए। एक बेटे होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक कलीग होने के नाते, वट एवर द सिचुएशन आप फेस करो, इट्स लाइक बट देन इट्स ड्रेनिंग यू, राइट। वी हैव द एम्प्रेस रिवर्स्ड एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एक फेक डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है, जो अपना पोजीशन खो चुकी है, ठीक है ना, लाइक उसका जो प्रिटेंस है वो ऑलरेडी सामने आ चुका है, उसका जो भी झूठ था इट्स ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है ना, एंड वो सिचुएशन को संभालने के लिए फाइनेंस ऑफर करेगी, दैट फ्रॉम अ पेज स्टैंड पॉइंट कि लाइक मैं तुम्हें फाइनेंशली हेल्प करता हूँ, या फाइनेंशली हेल्प करती हूँ, यू नीड इट, लेट मी बी देयर फॉर यू। इट्स मोर लाइक अगर आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, या आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ओ माय गॉड मैं इस सिचुएशन में कोडिपेंडेंट थी या कोडिपेंडेंट था, एंड इसकी वजह से बिकॉज मैं अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं कर रहा था कि मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ या अकेले ही चल सकता हूँ, एंड आई कैन मेक इट ऑन माई ओन, समवट एक कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी थी जिसकी वजह से मैं इस लेट्स आई एम हियरिंग दोगला, ठीक है, ये दोगले पर्सन के साथ रिलेशनशिप में था या इसे बर्दाश्त कर रहा था बिकॉज आई वॉज समवट कोडिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, एंड ये वेरी मच आपको पेनी पिंच कर रहे थे प्रॉब्ली कंट्रोल करने के लिए, आपको बातें सुना रहे होंगे, यू नो टू हैव द अपर हैंड एंड स्टफ लाइक दैट, कंट्रोल फैक्टर भी यहाँ पर प्ले करता होगा, एंड वो एक बार फिर, ठीक है, आपको खरीदने की कोशिश करेंगे फाइनेंस दिखा के कि देखो मेरे पास पैसा है, यू शुड कम टू मी, मेरे जाने के बिकाऊ नहीं है, और पीछे आप जो ये लाइट देख रहे हो इट्स बिकॉज बगल से गाड़ियाँ जा रही है ना, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके हेडलाइट्स चमक रहे हैं। ओके, लेट टेल मी मोर अबाउट दिस फेक डिवाइन फेमिनिन, दिस फेक एज बिच। ओके, जो मैस्कुलिन है यहाँ पे ये डिफेंड कर रहा है अपने आप को, ठीक है ना, सॉलिड तरीके से, एंड दिस पर्सन इज अ वर्कहोलिक, दिस पर्सन इज लाइक बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप को इस सिचुएशन से छुड़वाने के लिए, एंड दे आर लूजिंग स्लीप, ठीक है ना, वो एक्सेप्ट कर रहे कि उन्हें उन्होंने समवट अपने वूंडिंग के स्टैंड पॉइंट से डिसीशंस लिए थे, ठीक है, उन्हें लगा था कि वो अच्छा होगा उनके लिए, एंड एक काइंड ऑफ फॉल्टर्ड, ठीक है, वो सिचुएशन इट्स लाइक दिस इज लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम, एक्चुअली खुद पे भरोसा ना करना। आई एम हियरिंग कि इस पर्सन के कानों में हमेशा कोई उसे अंडरलाइन ऐसे फील कराता है कि वो अकेले नहीं चल सकते, उन्हें अकेले रहने में दिक्कत होता है, उन्हें प्रॉब्लम होती है, ठीक
ठीक है, उन्हें उन्हें डर लगता है अकेले चलने में, दिस इज समबडी जो हमेशा चाहते हैं कि अपने उनके आसपास कोई ना कोई रहे, तो उस डर को महसूस ना करने के लिए दे लाइक चलो ये पर्सन अगर यू नो नीडी भी है, फॉल्टी भी है, लो वाइब्रेशनल भी है, बट वो है एक्सटर्नली किसी के प्रेजेंस को रखना ताकि वो अकेला महसूस ना करे, ठीक है। सो दीज आर वूंडिंग्स, ये कॉन्स्टेंट वूंडिंग्स है, ये आप हो सकते हो जिसने यू नो अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करा हुआ है। ओके, वी हैव नो ज़ीरो न्यू बिगनिंग्स, ये जिसका भी सिचुएशन है, अगर वो पैसा आपको ऑफर भी करते हैं, यू आर लाइक वो आपका इंडिपेंडेंस खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, जाओ उधर के जाओ, उधर के जाओ बाबू, मुख पूरे जाबे, मुख पूरे जाबे, ठीक है। इट्स लाइक वो आपके इंडिपेंडेंस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, then you are saying no, there is no new beginnings out here. Yeah, we have the fool. यहाँ पर कोई leap of faith ले रहा है towards their happiness, towards their independence. तो ये आप हो जो एक fake situation से बाहर निकल के अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर रहे हो ताकि आप अपनी खुशियों की तरफ move कर सको. You are choosing your happiness, which is brilliant. या आप इस सैडनेस से बाहर आ रहे हो, इट्स लाइक एक फॉरगिवनेस की यहाँ पर ज़रूरत है, एंड यू आर फाइंडिंग इट लिटिल ईजियर, पहले से ज़्यादा थोड़ा ईजी आपको फील हो रहा है अपने आप को माफ़ कर पाना, ठीक है। पहले हो सकता था आप अपने आप को बहुत बैशअप कर रहे थे कि पहले शायद आप अपने आप को बहुत बैशअप कर रहे थे, जज कर रहे थे कि यार मुझसे ऐसी बड़ी गलती कैसे हो गई, हाउ कैन आई डू दिस टू माई सेल्फ, इट वॉज अ स्टूपिड डिसीजन, आई फक अप एंड स्टफ लाइक दैट, बट अब समहाउ आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है एक्सेप्ट करने के कि आप इंसान हैं, ठीक है, एंड हाँ आपसे भूल हुई है, आपसे गलती हुई है, एंड अब जब आपको बेहतर पता है आप अपने इस इमेच्योर पार्ट को एक्सेप्ट कर पा रहे कि या यस आप आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है ना। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को फ्लॉड देख पाओ कि यू नो जो ईगोइस्टिक होते हैं उनके लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि उनमें कोई कमी है, लाइक सीरियस सीरियस, ठीक है ना। और क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, उसे रेक्टिफाई नहीं करते, हील नहीं करते, एंड एक कार्मिक लूप में वो फंस जाते हैं और उसी गलती को बार बार करके वो दोहराते रहते हैं, इट्स एन ऑन गोइंग पैटर्न, ठीक है ना। तो अब जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मुझे समझने में या इस सिचुएशन को या मैंने द अप्रोप्रिएट सेंटेंस यही होगा कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी खुशियों के साथ, मैंने सेटल किया हुआ है यहाँ पे, बट देन अब जब मेरी आंखें खुल गई हैं एंड आई एम सीइंग दैट आई एम लवेबल और मुझे इस तरीके से सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, मैं अपने आप को माफ़ कर सकती हूँ या माफ़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। इट्स लाइक एम्ब्रेसिंग दोज मोमेंट्स ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ यू, दिस इज अ वेरी इंटेंस रीडिंग। यहाँ पर किसी को थ्रोट चक्र में इशू हो रहा था, आप उसे क्योर करते हुए क्योर होते हुए आप महसूस करोगे, यस दिस वाज अ वेरी मच फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है ना। पर यहाँ पर और कोई अबंडेंस दिख नहीं रहा है, इट्स मोर लाइक कि यहाँ पर फाइनेंशियली कोई ग्रोथ नहीं है, तो यहाँ पर कोई फाइनेंस के लिए किसी सिचुएशन की शुरुआत तो उन्होंने किया था, बट देन इट ड्रेन्ड देम, ठीक है ना। यस इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इंटरफेरेंस, तो ये वेरी मच आपका अदर हाफ हो सकते हैं जो कार्मिक के साथ, आपका पर्सन बहुत जेनरस रहे हैं, इट्स लाइक दे इन्वेस्टेड देमसेल्व्स इन द रॉन्ग प्लेस, उन्होंने अगर
अपने आप को इन्वेस्ट किया, अपना फाइनेंस ऑफर किया है एंड एक घर, यू नो, एक फैमिली, एक घर बिल्ड करने की उन्होंने कोशिश की है. द पीपल जिनके तरफ वो डिवोटेड रहे हैं या लॉयल रहे हैं, कमिटेड रहे हैं, दोज आर द सेम पीपल जिन्होंने दे फक्ट या फक्ट करा. मैंने कहा था ना कि ये कार्मिक्स ही, बिकॉज दे आर सो प्रोन, क्योंकि वो कार्मिक्स है, ठीक है ना, वो खुद ही ऐसे पागलपंती करेंगे इन द लॉन्ग रन. कोई भी किसी को ज़्यादा दिनों तक अंधेरे में नहीं रख सकता बॉस, ठीक है ना. एंड इन कार्मिक्स की जो सच्चाई है, ठीक है ना, एक दिन सामने आता है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देख सकते हैं कि जो हो रहा है वो गलत है, बट फिर भी वो उस जगह पे रह जाते. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ट्विन्स हैं, वी आर द चूजन वंस, वी आर द अनॉइंटेड वंस एंड ऑल दैट स्टफ. सो ऐसे में, ठीक है ना, ये हमारे नेचर में है इन टॉक्सिक सिचुएशन से ऊपर उठना, ठीक है ना. एंड इन टॉक्सिसिटी से ना, एक पॉइंट के बाद अगर आपका ट्विन रनर भी है, वो खुद ही परेशान हो जाएंगे उस टॉक्सिसिटी से, उनके खुद के किए हुए मैस से वो खुद ही इरिटेट हो जाएंगे एंड दे विल बी लाइक लेट मी जस्ट फिक्स दिस. कोई भी मेंटली स्टेबल इंसान, ठीक है ना, ज़्यादा वक्त के लिए टॉक्सिसिटी में नहीं रह सकता, ठीक है ना, दे कांट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द प्योर सोल्स. हाँ, एक्सपीरियंस के लिए हम ऐसे सिचुएशंस में जाते हैं, उलझते हैं एंड देन कुछ ना कुछ सीख कर आते, समथिंग ऑफ रियली बिग इम्पॉर्टेंस सीख के हम वापस आते हैं, बट एंड ऑफ द डे वो सीखने तक का ही है, बिकॉज हमारा सोल जो है वो इवॉल्व करने के लिए क्रेव करता है, इन बंदिशों को तोड़ने के लिए तैयार होता है. कभी आप लोगों ने सोचा कि क्यों आपके कार्मिक फैमिलीज आपको या आपके ट्विन को कभी पसंद नहीं करते, क्यों कोई अप्रूव नहीं करता इस पे आपको? सिंपली बिकॉज हम उनके उन्हें मिरर कर रहे होते. जब हमारी प्योरिटी, हमारी ओरिजिनलिटी ऐसे धीरे 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 बाहर आती है, उन लोगों को डर लगता है कि अब उनका जो चुतियापा है ना, वो काम में नहीं आने वाला. वी कैन सी राइट थ्रू देयर स्टूपिडिटी. उन्हें पता है, यू नो, कुछ मैस्कुलिन्स के मदर्स, उनके फादर्स उन्हें स्पेसिफिकली कहा है कि इस बंदी के साथ मत रहना या उस बंदे के साथ मत रहना. कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के घर वालों ने उन्हें कहा है कि तुझे इसे डेट नहीं करना चाहिए. उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर के उनका कान भरा हुआ है सेइंग कि तुझे इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुझे उसे छोड़ देना चाहिए. Because they were jealous, क्योंकि उन्हें पता था that this is something जो आपको एक ऐसे पाथ पर लेकर के जाएगा जहाँ पर वो चल नहीं सकते, ये कार्मिक्स चल नहीं सकते हमारे साथ एंड दस वो हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकते. और जैसे जैसे हम इवॉल्व करेंगे, सब कुछ सामने आएगा ना, उनका खुलासा हो. We want to evolve. हर कोई इवॉल्व नहीं करना चाहता. They get scared कि उनकी जो उन्होंने ये जो reality create की हुई है ego standpoint से, उनका ये जो belief system है और अपने लोगों को इस्तेमाल करने का nonsense का, it'll all break down. पर उनके इतने कोशिश करने के बाद भी क्या वो हमें रोक पाए? हमारा awakening तो तब ही हुआ. इनफैक्ट उनके टॉक्सिसिटी से इंटेंसिटी और बढ़ गई. इट बिकेम मोर प्रोमिनेंट कि ये क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों हमारे ट्विन्स के अवेकनिंग इतना ज़रूरी है, क्यों हमारा अपने पावर में आना, अपने आप को रिकग्नाइज करना इतना ज़रूरी है.
Okay, let's just get more messages. Okay, we have a magician reversed. यहाँ पर कोई है जो manifest नहीं कर पा रहा है. Everything they are trying to manifest is backfiring. It's like they are not in the position to manifest. पूरा उथल पुथल हो करके है, disbalance हो करके है. Yeah, we have the Queen of Wands. Listen. Why is this Queen of Wands here? ये Queen of Wands कौन है? We have the Queen of Wands and we have a King of Swords. Listen, यहाँ पर ऐसे दो energies है, ठीक है ना, जो स्पेसिफिकली इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि किसी का मैनिफेस्टेशन पूरा ना हो, कोई बैलेंस ना हो सके. अगर आप रिसेंटली कोई अटैक आपने रिसीव किया है अपने फाइनेंस के ऊपर, आई एम नॉट सेइंग कि ये आपका कार्मा है, आई एम सेइंग अटैक है, ठीक है ना, आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, किसी के ऊपर बुरा विश नहीं किया है, बट अचानक से सब कुछ पिकअप लेते लेते इट जस्ट ड्रॉप्स, ठीक है. इट्स बिकॉज यहाँ पर दो ऐसे एनर्जीज है, एक मेल है एक फीमेल है, जो पहरा लगा कर बैठे हुए हैं मेकिंग श्योर कि आप फाइनेंशियली स्टेबलाइज ना हो पाओ. या द सन ऑफ अ बिच इज मी. They just want to fight. This is a hater. This is a hating energy. ये लोग अपना power का गलत इस्तेमाल कर रहे. It's like these people are so adamant कि वो चाहते हैं. Listen, these are very specific messages जो मुझे मिल रहा है. It's like उन्होंने जो spell work किया है, it's like they are making sure कि आप self-sabotaging mode पे जाओ, हमेशा doubt में रहो, खुद ही अपने अबंडेंस को रिजेक्ट करते रहो. आई एम सीइंग द स्मॉल बेबी. तो इट्स लाइक जब आपका जन्म हुआ था, आपका ये पर्टिकुलर कार्मिक, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, इसने कसम खाई थी कि वो आपसे दुश्मनी निभाएंगे एक छोटे बेबी से. बट देन वी हैव द सन Which tells me कि इस उनका ये सब स्टूपिड के काम में नहीं आने वाला है. या दिस पर्सन, ये जो भी एनर्जीज है, दे आर चीट, दे आर चीटर्स, ठीक है. यहाँ पर एक स्पेल ये भी है कि वो जानबूझ के आपके तरफ स्पेसिफिकली, अगर वो आपके तरफ पार्टनर्स भेजते हैं, लाइक आपको इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों के तरफ, ठीक है, शादी के लिए, डेटिंग के लिए एंड ऑल, वो जानबूझ के ऐसे लोग वो आपकी तरफ भेजते हैं जो आपको अबैंडन कर देंगे, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप प्यार के काबिल नहीं हो. एंड दिस इज ऑन अ रोमांटिक फ्रंट. आपको लगता होगा कि शायद आप में कोई प्रॉब्लम है, कि आपका कोई भी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पाता. आप अपना 100%, इनफैक्ट 1000% भी देते हो, तब भी रिलेशनशिप टेक ऑफ नहीं करता. आप गलत किस्म के लोगों को अट्रैक्ट करते हो. शायद आप में कोई प्रॉब्लम है. नहीं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके ऊपर स्पेल किया गया है ताकि आप एक पैटर्न में फंसे रहो. सो देर आर टू मैसेजेस हियर. एक स्पेल वर्क ये है कि आप अपने आप को सेल्फ साबोटेज करो फाइनेंशली, एंड दूसरा स्पेल ये है कि आप बार बार करके फेलिंग रिलेशनशिप में जाओ, और कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप में प्ले हो जिसकी वजह से लोग आपको अबैंडन करके चले जाए, लाइक अनअवेलेबल
लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. इनफैक्ट आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये लोग स्पेसिफिकली खुद ही आपको लोगों से इंट्रोड्यूस करते हैं, दोस्त बोल के इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन इट जस्ट टेक्स ऑफ. दोस्त से इट शिफ्ट टू रोमांटिक रिलेशनशिप एंड देन चीज़ें टॉक्सिक होंगी, वो इमोशनली विथड्रॉ करेंगे, काइंड ऑफ नार्सिसिस्टिक एनर्जी वैम्पायर टाइप बिहेव करेंगे एंड देन दे जस्ट. आई एम नॉट सीइंग कि दे आर एग्जैक्टली नार्सिसिस्टिक और एनर्जी वैम्पायर, दे आर मोर लाइक दे आर क्लोज्ड ऑफ. फिर चाहे कुछ भी करो वो अपना हार्ट ओपन नहीं करते, इमोशनली आपकी तरफ इन्वेस्ट नहीं करते एंड फाइनली देर इज अ फॉल ऑफ इन द रिलेशनशिप बिकॉज दीज टू मदरफकर्स, दीज एसहोल्स, इन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया हुआ. देर इज अ क्वीन ऑफ वंड्स एंड देर इज अ किंग ऑफ सॉर्ड्स. इट्स लाइक वो आपको सजा दे रहा है. And we have the stability card and it's reversed. It's they are making sure ki aap suffer karo. Why are they doing this? Or divine bhi inhe allow kaise kare ya? Dekho stagnancy card. Chariot reverse. They do not want to see you succeed. They want you on the roads and here. बेघर कर देना चाहते हो. This might be a couple. This might be a living relationship में रहने वाला या married couple हो सकता है जो specifically आपको control करने की कोशिश कर. I don't know who this is. ये आपका twin के parents हो सकते हैं या आपके parents हो सकते हैं. You take the message. आप लोग इतने सारे लोग देख रहे हो, आप लोग अपने साथ मैश कर लो. या वी हैव दी हाई प्रेसेस एंड रिवर्स. ये बहुत कल देखो इन्हें पहचानने के लिए ना मैं आप लोगों को और इंडिकेशंस दे रही हूँ, इसे एक स्पिरिट और गाइडेंस दे रहे. ये लोग आपके इंट्यूशन की बात आपको सुनने नहीं देते, आपको कट ऑफ कर देते हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं. हाई प्रेसेस रिवर्स इज अ फेक मदरफकर. दिस इज समबडी जो जानबूझ के आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, गलत जगहों पर आपको फंसाएंगे और आपको ऑथेंटिक होने नहीं देंगे, आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने नहीं देंगे, डिवाइन से आपको दूर लेकर के जाएंगे. इट्स लाइक ये लोग इतने चूतिया है, ये आई एम गेटिंग लाइक रियली एंग्री राइट नाउ इस एनर्जी से. इट्स लाइक ये भगवान का नाम लेकर के आपसे गलत काम करवाएंगे कि भगवान तुमसे ये एक्सपेक्ट करते. देखो भगवान ने ये कहा है, ईश्वर ये चाहते हैं तुमसे. अनशंड गलत इन्फॉर्मेशन दे करके इट्स लाइक ये आपको या आपके पर्सन को गलत जगहों पर फंसाते हैं ताकि आपका सोल इस बंधन से बाहर ही ना निकले. इट्स लाइक पापों में डूब जाए. बट देन द गुड पार्ट इज वी हैव द सन कार्ड विच मीन्स इनके इन पागलपंथी के वजह के बाद भी आपका और आपके पर्सन का जो सोल है इट्स स्टिल प्योर. बिकॉज आपका ये जो पर्सन है या आपको आपका मन साफ है, आपको लग रहा है कि आप सेवा कर रहे हो या यू नो अच्छा करने की आप उम्मीद से कर रहे हो, ठीक है ना. सो आपका ये इनर चाइल्ड इट्स स्टिल सेफ. आपका ये सोल, आई डोंट सी दिस एज इनर चाइल्ड, इट्स मोर लाइक आपका ये सोल है कि वो पवित्र है बिकॉज सन इज लुकिंग अपॉन दिस बेबी. आपका या आपके पर्सन का एनिमल स्पिरिट गाइड हॉर्स हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, ठीक है. बट देन भगवान ने हमें कॉन्शियस भी तो दिया है, जमीर दी है, विवेक दिया है. सवाल उठाना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉबली लेट्स सी कि आप या आपका पर्सन इस वक्त ये सवाल पूछ भी रहे हो कि नहीं कि ये जो हम कर रहे हैं या हम मुझसे जो करवाया गया है, मुझे जिस चीज़ के लिए यू नो मोटिवेट किया गया था, मुझसे ये जो करवाया गया है इज़ इट रियल, उसके पीछे रीज़न क्या है.
Listen, we have the seven of cups. Oh my goodness, yes. Listen, आपका person इन situations को ditch कर रहे, ये हवा में सपने बुनना, it's coming to light. They want peace. Yeah, we have a king of wands. यहाँ पर आप या आपका person is very focused on a very specific thing. It's on communication. यहाँ पर कोई communicate करना चाहता है about finance and stuff. Yes, there will be a huge communication यहाँ पर. Solid communication होने वाला है कि आपने मुझसे ये काम क्यों करवाया, आपने जानबूझ के मुझे सिचुएशन में क्यों फंसाया. दिस मदर फकिंग कार्मिक्स, ये जानबूझ के आपके और के पर्सन को सिचुएशन में फंसाया हुआ. बट देन इट वाज देयर लैक ऑफ क्वेश्चनिंग. इससे एक उनका इंट्यूशन कह रहा था कि बेटा यहाँ पर कुछ तो है जो ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है. इट्स लाइक द फैक्ट कि आपका या आपका पर्सन ने अपने इनर वॉइस को उन्होंने नज़रअंदाज करके, इन लोगों की बात मान के ये स्टेप्स उन्होंने जो लिया है, ठीक है, ये झटका उन्हें रियलाइज करवाएगा कि कितना गलत किया है उन्होंने. उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए थी. लाइक आई जस्ट सेड कि कार्मिक्स कार्मिक्स होते हैं, वो अपने पागलपंती से बाहर नहीं निकलते और वो ही उनके खुद के कांड की वजह से इन डिवाइन सोच को रियलाइज करवा देते कि क्यों दे आर ऑलवेज ऑन द लेफ्ट, क्यों हम उन्हें पीछे छोड़ देते हैं, क्यों हम उन्हें डिस्कार्ड करते हैं. Yes, there is a masculine energy here. जो communication के ऊपर बहुत ज़्यादा stress कर रहा है. It's like एक financial situation है because we have the king of pentacles. ठीक है, इस चीज़ को लेकर के they are very adamant कि मुझे इसके ऊपर बात करनी है. I want the clarity on this. मुझे बताओ, मुझे सवाल का जवाब दो. Why did you do this? आप लोगों को जब पता था तो जानबूझ के मुझे इस सिचुएशन में क्यों उलझाया. इट्स लाइक देयर इज समबडी जो अपने सोल को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लाइक अपनी तरफ मुझे भी पापी बना दिया. दिस माइट बी समबडी जो आपके पर्सन बहुत क्लोज अपने दिल के करीब रहते, समबडी दे रियली ट्रस्ट, दे चोज टू ट्रस्ट प्रॉब्ली ओवर यू. Yeah, we have the king of cups. This person is in love, of course. There's a new cycle, there's a new beginning that they want, but unke unhone apni cleansing work abhi tak nahi kara hai. They want to start something new. They have lot of emotions, they have lot. It's like is person ne na janbujh ke apne emotions ko apne andar daba karke wo baithe hue. And now they want to pour it out. But then they have baggages. उन्होंने अभी तक cleansing work पूरी तरीके से किया नहीं है. Okay. Let's get some more messages. ये closing messages क्या क्या हैं? What are the closing messages here? See, ये cards जो है ना, it's very sticky इस time पे. So it's a very sticky situation. It's like वो निकलना तो चाहता है, but it's not a smooth path. इट्स नॉट लाइक कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना, बैक पैक किया एंड लेफ्ट. नो, दिस अ वेरी स्टिकी सिचुएशन. सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ साइकिल टू ब्रेक. ये जो भी सिचुएशन है, इट्स वेरी टफ. लिसन, वी हैव द पोस्टपोनमेंट एंड ये ऐसे आया है तो इट्स ऑलमोस्ट दे आर ट्राइंग ताकि ये पोस्टपोनमेंट कैंसिल हो सके. ठीक है, वी हैव द इनोसेंस एंड वी हैव द कम्प्लीशन. या समबडी इज लुकिंग फॉर द कम्प्लीशन. इट्स लाइक ऐसा क्या है मेरे लाइफ में जो अधूरा है. ये रनर्स बहुत करते हैं, दे रन एंड देन उसके बाद दे रियलाइज कि सब कुछ होने के बावजूद भी लाइफ में एक ऐसी चीज़ है, एक कमी है जो खलती है, वो हमारे ट्विन के लिए होती है. और जब तक वो हमें रिकग्नाइज नहीं करता है ना, वो कमी खलती रहती है.
सोल सर्च करता रहेगा कहाँ है. इट्स लाइक सोल को पता है, हायर सेल्फ ऑलरेडी नोज, कॉन्शियस माइंड को पता करना होता है. जब वो ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें बहुत सारे लेसन्स मिल रहे होते हैं हर जगह. दे लुक फॉर द रियल पर्सन, एंड जब उन्हें वो मिल जाता है, जब वो ऐसे इनोसेंट स्टैंड पॉइंट से, ऑथेंटिसिटी, दिस इनोसेंट का ये मुझे कहता है, दिस इज समबडी हु इज वेरी कनेक्टेड टू देमसेल्व्स. दिस इज द मास्टर, दिस इज द गुरु, ये जगत गुरु, दिस इज द हायर सेल्फ, दिस इज द डिवाइन. जो इस मैंटिस को, इस ग्रास हॉपर को सिखा रहा है कि बेटा तुझे अपने साथ कनेक्ट करना है, रियल हो जाना. तू रियल हो जा, तुझे असलियत समझ में आ जाएगी, तेरा रियल पर्सन तुझे दिख जाएगा. सो दिस इज समबडी हु हैज बीन लुकिंग कि वो मिसिंग कौन है. एंड द मोमेंट आपका पर्सन रियलाइज करेगा ना दैट यू आर द वन फॉर देम, ये खोज खत्म हो जाएगी. ये जो खिंचाव था आप दोनों के बीच में, दो टग ऑफ वॉर, ठीक है, आपका ये जो टेंशन था ये सबसाइड पर जाएगा. इट्स लाइक एक अंदरूनी पीस, यू विल फील पीस, दे विल फील पीस कि यस दिस इज इट, वो दिस इज इट वाला मोमेंट दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट. या वी हैव टोटालिटी. दिस वॉज अ वेरी जगलिंग, वेरी रिस्की सिचुएशन जहाँ पर आपका पर्सन सिचुएटेड थे, ठीक है, द सिचुएशनशिप. It was very risky. They were juggling, they were trying to balance things out. It's like वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अपने soul को risk करके they were looking for the perfect person. And that's exactly how it's supposed to be, because हम twin flings हम ऐसे risky steps लेते हैं, ठीक है. Okay, आपके person there is a specific one over here. यहाँ पर एक fake master है, स्पिरिचुअल मास्टर है, जिसने आपके पर्सन के हीलिंग प्रोसेस को रोक के रखा हुआ था. इट्स लाइक वो कह रहे थे कि तुम हील हो रहे हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें हील कर दूंगा या हील कर दूंगी, बट एक्चुअली इट वाज ऑल फेक, क्योंकि उनके लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, उनके सोल में कोई बरकत नहीं हो रही थी, कोई भी डीएनए क्लेंजिंग नहीं हो रहा था, दे वर बीइंग मिसगाइडेड. यस, आपके पर्सन को या आपको, आई एल से ये आपका पर्सन की ही एनर्जी है, उल्टे पुल्टे बहुत सपने आते होंगे. इट्स लाइक सी, हम अपने ट्विन्स के सपने कंसिस्टेंटली हमें आते रहते, राइट, बट अगर कोई स्पेल वर्क करता है, मिसगाइड करता है, या कोई कार्मिक साइकिल क्लोज डाउन होना बाकी रह जाता है, तो उन कार्मिक्स और सोलमेट्स के सपने भी आते हैं. तो इट्स लाइक आपका पर्सन अगर एक दिन आपका सपना देख रहा है, तो बाकी के छः दिन छः और अलग अलग लोगों के बारे में, कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स, इन इसके उसके सबके सपने देख रहे थे. सो इट काइंड ऑफ यूज टू कन्फ्यूज देम, एंड हूएवर दे वर डीलिंग विद, इट वॉज, ने कहा ना, उन्हें डिसअलाइन कर रहा था, मैं उनके ऑथेंटिसिटी से उन्हें दूर करके ये करके जा रहा था. आई एम हियरिंग अपने आप को जज मत करो. लेकिन आप में से कुछ लोग ना बहुत टेंशन ले रहे हो कि क्या ये मेरा ट्विन है, कहीं मैं ये फॉल्स ट्विन कनेक्शन में तो नहीं फंसा हुआ, गलत इंसान के पीछे टाइम तो वेस्ट नहीं करो. लेकिन कन्फ्यूजन है, मतलब जवाब मिलना भी बाकी है, जवाब मिलना बाकी है, मतलब इनर वर्क बाकी है. रिलैक्स करो, प्लीज़ रिलैक्स किया करो कि अगर ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है भी, समय के साथ वो भी सामने आ जाएगा. यू नो, अचानक से मुझे ना वो विजन आ रही है, सुलभी ज्योति का वो सीरियल ही था, नागिन बेला एंड माहिर वाला. बेला अपने लवर को खोती है, ठीक है, एंड वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है. फिर उसे उसकी मुलाकात माहिर से होती है, एंड शी रिकॉग्नाइज रियलाइजेस कि उसका एक्स फेक था और उसका जीवन साथी, उसका रियल पर्सन माहिर है. थिंग्स लाइक दैट हैपन.
ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड इट्स ओके. अपने आप को इतना ट्रबल मत करो कि आपका इनर पीस बर्बाद हो जाए. इनफैक्ट जब आप अपने इनर पीस में आओगे और स्टेबलाइज रहोगे, तभी जो एक्चुअली आपका अदर पर्सन है ना, लाइक आपका अदर हाफ है, वो आपके वाइब्रेशन को मैच करते हुए आप तक अट्रैक्ट होते हुए आएंगे. ये स्टार्टिंग में मैंने अपने आप में डिसाइड किया था कि मैं कंसिस्टेंटली इवॉल्व होते रहूँगी और जो मेरा रियल पर्सन है वो मेरे एनर्जी को मैच करता हुआ पहुँच जाएंगे. क्योंकि जो फेक होते हैं ना, वो ज़्यादा दिनों तक हमारे एनर्जी फील्ड में नहीं रह पाते. स्पेशली जब हमारी तीसरी आँख खुली हुई हो ना, वो चाकर भी हमसे झूठ नहीं बोल सकते. एंड वी आर इम्पैथ्स, अनजान लोग भी हमारे सामने आकर के कन्फेस करते हैं. कोई भी कितने दिनों तक झूठ बोलेगा. वी आर इम्पावर्ड लाइक दैट अपने इन डिवाइन क्वालिटीज के ऊपर, इन साइकिक गिफ्ट्स को और ज़्यादा इन्हें नर्चर करो, इन्हें और पॉलिश करो. ये टूल्स हैं आपके. विश्वास रखो कि डिवाइन आपको अगर किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, डिवाइन तो आपको भेजेंगे नहीं, इट्स लाइक आप खुद अगर किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अगर उलझ भी जाते हो या डिवाइन आपकी परीक्षा भी ले रही होती है, सही समय पे आपको सब कुछ दिख भी जाएगा एंड इट्स फाइन. इसमें शर्मिंदगी या अपने आप को जज करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने फर्स्ट राउंड में अपने रियल ट्विन को यू नो रेकग्नाइज नहीं किया या आपने टाइम वेस्ट किया. वो टाइम भी एक्चुअली वेस्ट नहीं है, क्योंकि जब तक आप कंफ्यूज थे, उन कंफ्यूजन में आपने अपना इनर वर्क भी तो किया है या अपना इनर वर्क कर रहे हो. या वी हैव फाइटिंग, जोर फाइट होगा बस. ये कन्फ्रंटेशन में जोर फाइट होने वाला है, हाथापाई भी हो सकता है. या वी हैव ब्रेक थ्रू. दिस मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, दिस डिवाइन बीइंग, दिस ब्यूटिफुल डिवाइन बीइंग इज गोइंग टू गो थ्रू अ ब्रेक थ्रू. इसके लिए अगर उन्हें फाइट भी करना पड़े ना अपने सोल को, अपने कनेक्शन को बचाने के लिए, दे विल गो फॉर इट. या दे विल वांडर इनटू द अननोन. यस, इट्स लाइक मुझसे और नहीं होगा, ये झूठ मुझसे नहीं जिया जा रहा है. जस्ट बिकॉज मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं ऐसे एक टॉक्सिक सिचुएशन में अपने आप को उलझा के नहीं रख सकता. या दे पुटिंग एन एंड टू अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. मुझे ये इंटरफेरेंस नहीं चाहिए. थर्ड पार्टी ये कोई भी हो सकता है, काम हो सकता है, कोई सोच हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है. इट्स लाइक जो भी टॉक्सिक है और उन्हें सर्व नहीं कर रहा है, दे आर जस्ट थ्रोइंग इट आउट. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है दैट यू आर थ्रोइंग देम आउट एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स डिवाइन. लुक एट दिस सोर्स. This is completely divinely guided. It's like they're calling upon these tower moments, saying कि मुझे ये change चाहिए. I am ready to see my reality. मैं अपने आप को अपनाने के लिए तैयार हूँ. जो भी है, मेरी जो भी सच्चाई है, मुझे accept करना है. It's like वो अपने आप को मौका दे रहे हैं ताकि वो अपने आप को देख सके. या the loneliness is coming to an end. They're coming out of this loneliness. Abandonment issues यहाँ पर सॉल्व. अबैंडनमेंट इशू पहले भी आया था, सो दिस इज डबल कंफर्मेशन. ठीक है, ये जो भी स्पेल वर्क है, इट्स ब्रेकिंग. वी हैव द प्रोजेक्शन एंड इट्स रिवर्स्ड. या जो भी टॉक्सिक प्रोजेक्शन उनके ऊपर किया जा रहा था, लाइक उनके पेरेंट्स थे वो किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्स, जो भी एनर्जी है, जो अपनी टॉक्सिसिटी अपनी सोच के हिसाब से आपके पर्सन को या आपको कंट्रोल कर रहे थे, इट्स कमिंग टू एन एंड. दे आर लाइक स्टॉप प्रोजेक्टिंग योर बुलशिट ऑन मी. आप लोग अपनी जिंदगी ऑलरेडी जी चुके हो और आप लोग के डिसीशन मेकिंग के हिसाब से आप जी चुके हो, बट मुझे ये रिजल्ट दिख रहा है एंड आई डू नॉट वॉन्ट दिस थिंग फॉर माई सेल्फ. यू ऑल आर नॉट हैप्पी. आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड आई हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली. ओके, आप लोग अपना ध्यान रखो. ओके, यहाँ से एक और कार्ड निकलना चाह रहा है. ट्रस्ट योर पाथ. इफ यू न्यू You would be supported. What would you do? Yeah, ये वो वाला मैसेज है जो मैं Pisces in Moon वीडियो में मैंने दिया था कि अगर 24 घंटे आपके पास है जिंदगी के बचे, तो आप
वो कौन सी चीज़ें करना चाहोगे एंड वो जो खुशी आप महसूस कर रहे हो, आप उसे उस खुशी को आपको अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना है. दिस इज लाइक दैट, फॉलो योर पाथ, फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर गाइडेंस. अगर आपको पता है, पता होता कि आपको, आप सपोर्टेड हो, कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, किसी भी इंसान से ऊपर आप, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, डिवाइन ना. तो डिवाइन अगर आपको कह रहे हैं दैट यू आर सपोर्टेड, आई एम हियर विथ यू, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रहा हूँ, तभी क्या आप भरोसा नहीं करते. दे आर सेइंग यू ऑन द करेक्ट पाथ, कीप मूविंग. ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.